आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, 1 मई टाइम याद रखिएगा, 1 मई से शाम को 6 बजे रेगुलर आपका मैथ का क्लास चलेगा। और पूरे बेसिक से, बेसिक का मतलब अगर मान लो एक चैप्टर मैंने उठाया और उस चैप्टर में आपको ए से लेकर जेड तक पढ़ना है, तो पूरा ए भी मैं आपको सिखाऊंगा कि उस चैप्टर का ए कैसे बोलते हैं। इसका मतलब पूरे निचले स्तर से। और आप बोल सकते हो, भैया कब मैंने मैथ का ए चैप्टर बेसिक उठाया और कब मुझसे एग्जाम वाले सवाल फटाफट बनने लगे पता ही नहीं चला। लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। 1 मई शाम को 6 बजे से हर एक चैप्टर का क्लास कराऊंगा। लेकिन हाँ, क्लास देखने के बाद, सीखने के बाद आप एक बात बोल सकते हो कि भैया आप जो पढ़ा रहे हैं ना, वो सवाल मुझे समझ में आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रहा है। और जब मैं किताब खोल रहा हूं कोई सा भी, तो हर एक सवाल बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना भैया, मैं मैथ सीखना नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैं हमेशा से बस एक ही बहाना बनाता हूं कि मुझे भैया मैथ से डर लगता है। तो वो डर तो मैं दूर कर दे रहा हूं, लेकिन आप जो मन में बैठा कर रखे ना, टाइम नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे और फिर उसको बहाना में परिवर्तन कर दोगे कि मुझे मैथ आता नहीं है, तो वो चीज आपको फैसला करना है, आपको सीखना है कि नहीं सीखना है। और कोई भी एग्जाम इंडिया का ले लो, कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम में एक ही चैप्टर आता है, वही प्रतिशत, वही त्रिकोणमिति, वही मेंसुरेशन, वही लाभ हानि, वही समय और कार, हर एक चैप्टर। एक बार अगर मैथ सीख लिया जाए अच्छे से, तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, कम से कम मैथ में तो डर नहीं रहेगा। और मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको मैथ में ना बस 2+2=4 ये सब आता है ना, तो आप बोलेंगे भैया एक एक चैप्टर बहुत निचले स्तर से सिखा रहे, जो मेरे दिमाग में बैठ जा रहा है। ठीक है, और एक बात, एक फायदा और आप सभी का है कि आप ना पढ़कर अपने भाई बहन को भी पढ़ा सकते हैं। ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आप सभी को कि आप भी टीचर बन जाओगे। और जैसे एक बार और बोलूंगा, त्रिकोणमिति का मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिया है, 5वां पार्ट का नोटिफिकेशन नहीं गया है, इसीलिए मैं बराबर बोलता हूं, टेलीग्राम से अगर आप सभी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में दिया गया है। या फिर आपके फोन में अगर टेलीग्राम है तो सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, आपको वहां पर 42,000 के लगभग उस टेलीग्राम में छात्र हैं, तो आप भी वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो 5 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जहां पर 90% लोगों को ना ये चैप्टर समझ ही में नहीं, पल्ले नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था यही बोलकर कि मान लो मेरे क्लास के सामने ना 2 क्लास का स्टूडेंट बैठा हुआ है और उसको समझा रहा हूं और उसको समझ में आ रहा है, सभी बोल रहे हैं भैया एक एक चीज समझ में आ रहा है, जो मैं कोचिंग सेंटर में पैसा देकर सीख नहीं पाया ना भैया, वो चीज यहां पर बहुत लाजवाब तरीके समझ में आ रहा है। आप खुद देखना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, आप बोलेंगे हर एक पार्ट समझ में आ रहा है भैया हमको। इसका मतलब आप मैथ सीखना नहीं चाहते हैं, मैथ आप समझ जरूर रहे, सीखने का आपका जो है वो और इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एक बार लाओ। क्योंकि आप सभी को पता है, बिना मैथ का तो कम से कम एजुकेशन की फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और एक बात, टाइमिंग आप सभी याद रखना, 1 मई से शाम को 6 बजे जो क्लास चलेगा वो लाइव चलेगा। और अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं, अगर मान लो आप लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं, तो लाइव क्लास के बाद आप चैनल पर वो वीडियो भी देख पाएंगे डेली का। और एक बार, नोट्स बनाते रहना, कॉपी एक रख लेना, पूरा का पूरा मैथ मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा एग्जाम लेवल तक का, सीजीएल लेवल तक का। सीजीएल के अगर मैथ आप कर लिए तो फिर एनटीपीसी, ग्रुप डी, एससीसी का, एमटीएस, सीएचएसएल, बैंक, वो फिर एग्जाम, कोई भी एग्जाम का मैथ कुछ मायने रख नहीं जाता है। तो मैं आपको पूरा बेसिक से क्लास 1 से सीजीएल लेवल तक का हर एक चैप्टर क्लियर करवाने वाला हूं 1 मई शाम को 6 बजे से। टाइमिंग याद रखिएगा। और हाँ, त्रिकोणमिति का बाकी पार्ट भी आपको मिलेगा, जैसे 5वां पार्ट भी आज अपलोड कर दिए थे चैनल पर, आप जाकर देख लेना, नोटिफिकेशन नहीं गया है। बाकी 11:30 बजे वाला क्लास भी आपको रेगुलर चलेगा कल से। ठीक है, चलिए।